सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडे इज 12th में, और 12th में तो आपके लिए है, मैं तो ये वीडियो 11th को शूट कर रहा हूँ। सो आज 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं और आज चैलेंज कंप्लीट होगा। मैं वापस से क्यूबिंग करूँगा, एक स्पीड टेस्ट और करूँगा जो कि आप वीडियो के एंड में देखोगे, लेकिन पूरी वीडियो देख के जाना। तो आज कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल है, काफी ज्यादा स्पेशल। एक्चुअली आज नहीं, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उस दिन काफी ज्यादा स्पेशल दिन है। उस दिन इस चैनल को पूरे 3 साल हो जाएंगे। जो हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड करा था वो 12th May 2019 को अपलोड करा था, विच वॉज माय स्मॉल इंट्रो और आर स्मॉल इंट्रो ऐसे करके एक वीडियो था। उस टाइम पे मेरा चैनल व्लॉगर अनंत नहीं था, चैनल का नाम था ANT एंडलेस वेव्स, जो कि मेरे एक फ्रेंड के साथ था, तरंग त्यागी के साथ हमने मिलकर एक चैनल बनाया था। उस टाइम पे लिटरली मेरे को आज भी याद है हम लोग चैनल कैसे बनाया था, कि हम लोग ना शाम को क्यूबिंग करा करते थे पार्क में बैठ के, चार पांच बच्चे थे हम, इकट्ठा होके हम लोग टूर्नामेंट्स करते थे क्यूबिंग के, स्पीड टेस्ट करते थे बेसिकली। तो उसमें जिसकी ज़्यादा स्पीड हुई वो जीता था टूर्नामेंट पूरा, रोज करते थे। तो एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो जाके मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि चल यार एक चैनल शुरू करते हैं। तो उसने बोला ठीक है। अब हमें कुछ आइडिया नहीं था किस चीज़ का चैनल करना है, क्या करना है क्या करना है। उस टाइम हम लोग क्यूबिंग कर रहे थे, तो मैंने बोला कि क्यूबिंग का चैनल चलाते ना तो अच्छा रहेगा, हम लोग को क्यूबिंग थोड़ी बहुत आती भी है। तो हमने उस टाइम पर नया नया क्यूब सीखा था, तो उसने कहा ठीक है। हम लोग ने फिर एक इंट्रो बनाया, चैनल का लोगो बनाया, चैनल का नाम सोचते सोचते दिमाग खराब हो गया। चैनल का नाम निकला कि ANT एंडलेस वेव्स। मेरा नाम अनंत है, उसका नाम तरंग था। अनंत इंग्लिश में मतलब होता है एंडलेस, तरंग का मतलब होता है वेव्स, तो हमने वही नाम बना दिया ANT एंडलेस वेव्स। ऐसे करके हमारे चैनल का पहला नाम बना था। एक मिनट, ये फ्रेम अब ठीक है। ऐसे करके चैनल का नाम बना था ANT एंडलेस वेव्स। तो मुझे पता नहीं क्यों इतनी खुशी क्यों हो रही है, ऑल द आई हैवंट अचीव्ड समथिंग। 3 साल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कंसिस्टेंसी, जो कि अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूँ और प्रॉपरली हर टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करूँ, लेट ना करूँ बिल्कुल भी। हाँ, तो मैं था ANT वेव्स पे। तो उस टाइम पे हम लोग को ये नहीं पता था हम क्या करने वाले हैं, क्यों बना रहे हैं चैनल, किस लिए बना रहे हैं, कुछ नहीं। तो उस टाइम पे हमें एक मास्टर प्लान आया, जो बहुत गंदा प्लान था, बहुत गंदा, लेकिन हमने फिर सोचा, उस टाइम पे हमें लगा था कि यार यही बेस्ट प्लान है, इसके अलावा तो प्लान हो ही नहीं सकता कुछ। तो हमने प्लान बनाया कि 2 वीडियोस हम डालेंगे क्यूब की, 2 वीडियोस हम डालेंगे कोई भी ऐसे गेमिंग की, वो गेमिंग करता था और मेरे को गेमिंग बिल्कुल नहीं आती, फैक्ट। 2 वीडियोस हम डालेंगे फिर एडिटिंग की, मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ उसकी, और 2 वीडियोस डालेंगे हम लोग फिर ऐसे कॉमेडी या वाइंस वगैरह, और फिर जो हमारी मिलियंस की ऑडियंस थी ना वो डिसाइड करेगी कि हम क्या करेंगे। उस टाइम पे इतना नहीं पता था, बच्चे तो हम अब भी हैं लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं थी। तो हमने सोचा कि ठीक है ये बेस्ट प्लान है, अब तो इसी से चलेंगे और बस चैनल ही चैनल, अपना चैनल चलेगा बहुत तगड़ा। हमने पहली वीडियो डाली 12th को, जो इंट्रो डाला, फिर पहली वीडियो, फिर अगली वीडियो शूट करी हमने 13th May को और अपलोड करी 14th को। वो वीडियो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो वीडियो उल्टी शूट हुई थी, मतलब जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ तो वो सामने से कैमरा ऐसे पकड़ रहा था, तो जो उसमें राइट की एल्गोरिथम थी वो सब लेफ्ट में दिख रही थी, और जो लेफ्ट की एल्गोरिथम थी वो सारी राइट में दिख रही थी। ये बात हमने ध्यान दिया, हमने एक्साइटमेंट में अपलोड कर दी वीडियो, ठीक है 10 या 11 मिनट की वीडियो थी, बिल्कुल व्यूज नहीं आए। 5-6 दिन तो हम लोग देखते रहे कि कब आएंगे व्यूज, कुछ तो कोई एक तो देखे, नहीं आए। फिर हमने लिंक वगैरह शेयर करके जैसे तैसे करके हमने वीडियो चली हमारी थोड़ी बहुत, जो भी चली, वीडियो तो आज भी नहीं चल रही, तब भी नहीं चलती थी, लेकिन ठीक है, मज़ा आया, हमको अच्छा लगा वो डाल के, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर हमने दूसरी वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो की मेरे को डेट याद नहीं है एक्चुअली डेट क्या थी, दूसरी वीडियो डाली। फिर तीसरी वीडियो में दिक्कत ये हुई कि मेरे को बाहर जाना पड़ा,
तो तीसरी वीडियो मैंने अकेले डाली, मैंने उससे बोला चौथी वीडियो तू अकेला शूट करके भेज दे मुझे, क्योंकि और चौथी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग की दो वीडियोस थी वो ठीक ठाक चल गई थी, 200 व्यूज स्टार्टिंग में ही आ गए थे, जो दूसरी वीडियो थी उस पर 200 व्यूज आ गए, तो हमको लगा कि ठीक है यार अच्छी खासी चल रही है, हम ये करेंगे, तो हमने फिर वो चला दिया। उसके बाद तीसरी वीडियो मैंने डाली क्यूब्स की, पैटर्न्स की, मैंने उससे बोला चौथी वीडियो भेज मेरे को डायमंड क्यूब की, उसकी वीडियो भेज, तो उसने काफ़ी लेट कर दिया। फिर मैंने चौथी वीडियो खुद बनाई पैटर्न्स की, जो पार्ट टू था पैटर्न्स का वो। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं आया वापस, मैंने फिर उसको काफ़ी कांटेक्ट करा, जैसे हम लोग का स्केड्यूल था कि सैटरडे को वीडियो शूट करेंगे, संडे को मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगा, तो कुछ सैटरडेज निकले, 2-3 सैटरडेज निकले जिनमें उसका नहीं हो पाया आना, तो फिर ऑब्वियसली वीडियोस नहीं डल रही थी, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि ये सो एंड सो प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हमने डिसीजन लिया कि चैनल मैं अकेला चलाऊंगा, वो नहीं चलाएगा, वो चैनल में नहीं आएगा, तो फिर ऐसे ऐसे करके हुआ। फिर मैंने चैनल का नाम बदला, अब मैं 4 वीडियो डाल के जो बाद की 2 वीडियोस थी उन पे व्यूज़ नहीं आए, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आए, क्योंकि मेरे को आज समझ आता है कि उस 2 वीडियोस पे व्यू क्यों आए थे, हमने बहुत ज़्यादा लिंक शेयर कर दी थी। अगर अभी मैं स्टूडियो खोलूँगा ना तो उसमें वो 2 वीडियोस के एक्सटर्नल सोर्सेज जो लिंक्स होते हैं ना उन पे ज़्यादा व्यूज़ हैं, उससे ही ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो हमने बाकी 2 वीडियोस की शेयर नहीं करी तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। तो फिर मैंने कुछ वीडियोस डाली, फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं उस टाइम पे टेक्निकल चैनल्स काफ़ी देख रहा था, सो मेरे दिमाग में आया मैं ये कर सकता हूँ। मैंने 1 या 1.5 साल टेक्निकल एक के नाम से वीडियोस बनाई, फिर एंडलेस टेक्निकल 2, क्योंकि टेक्निकल एक के काफ़ी सारे थे, तो उसके बाद एक एंडलेस टेक्निकल करके नाम रखा, फिर उससे वीडियोस बनाई। जो आपने अभी पार्ट देखा वो एडिट करके उठाऊं और आगे का शूट कर रहा हूं। तो हम लोग का पता है टेक चैनल पर, जो एक मिनट फ्रेम थोड़ा अजीब हो रहा है, तो क्या अब ठीक है, वो थोड़ा फ्रेम का दिक्कत कर रहा था मेरे को बैठ। तो या हम लोग फिर मैंने शुरू किया टेक चैनल, विच वॉज ड्रास्टिकली फ्लॉप। वैसे अगर देखा जाए तो मतलब इफ़ आई ब्रेक डाउन थिंग्स, तो कुछ भी फ्लॉप नहीं था और कुछ भी हिट नहीं था, लेकिन आई वाजंट गेटिंग दैट रिस्पॉन्स, और फिर धीरे धीरे ना वो थोड़ा बोरिंग होने लगा टेक चैनल पे वीडियोस बनाना, यू नो सिटिंग एक ही चीज़ के बारे में बोलते रहो विच जो कि मैं अभी करता हूँ, बट अभी मैं क्या है जो मेरी मर्जी होती है वो बोलता हूँ। पहले मेरे को प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती थी, फिर उसके ऊपर देखना पड़ता था क्या क्या बोलना है वगैरह वगैरह, तो वो मेरे को बोरिंग लगने लगा, एंड दैट टू विदाउट रेस्पॉन्स, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि यार वापस क्यूबिंग करते हैं, फिर वापस से क्यूबिंग चैनल बनाया, उसका नाम ऐश क्यूबिंग रखा था, और जिसमें वो फॉर द फर्स्ट टाइम ये वाला इंटर आया था वो वाला, फिर उसके बाद उस पर भी कुछ अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया, तो मेरे को फिर लगने लगा यार मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही, मतलब ठीक है मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे वीडियोस अच्छे बनाना अच्छा लगता है, कैमरा फेस करना अच्छा लगता है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही जो मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा, वो एक्साइटमेंट नहीं मिल रही जो मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने स्टार्ट किया था तब मिली थी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम तो क्यूबिंग से स्टार्ट किया था, तो फिर क्यों वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही, ये मैं सोचता फिर मैंने एक आदत डाली, मैं डेली वीडियो शूट करता था, जो मैं मतलब मेरा जैसे पूरा दिन था, तो आप उसको वीडियो डायरी कह सकते हो, जो मैं पूरा दिन था वो मैं शूट कर रहा था, तो मुझे वो अच्छा लगने लगा, तो फिर मैंने धीरे धीरे व्लॉग्स देखने शुरू करे, काफ़ी व्लॉग्स देखे, और मुझे लगा कि यार ये है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब फॉर नाउ मेरे लिए मुझे व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, मुझे मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट मिल रही है मुझे व्लॉगिंग में, मैं वो कर रहा हूँ। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट व्लॉगिंग सिटिंग एंड टॉकिंग, मतलब दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ व्लॉगिंग सिटिंग एंड टॉकिंग टू द कैमरा, बट व्लॉग्स बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, उसको बाद में समझेंगे कभी। आप चाहो तो गूगल पे जाके पढ़ लो व्लॉग्स क्या होते हैं, व्लॉगिंग इज जस्ट एनीथिंग विच यू आर डूइंग वाइल फेसिंग द कैमरा, यू आर मेकिंग अ वीडियो एंड स्पीक ऑन एनी टॉपिक, लाइक एनी लिटरली एनी टॉपिक, उसको व्लॉगिंग कहते हैं। सो फिर मैंने व्लॉगिंग चालू की, पहला वीडियो काइंड अ गुड रिस्पॉन्स, मुझे लगा यार ये सही है, मतलब ये ठीक है मैं ये कर सकता हूँ,
तो अभी मुझे ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे ब्लॉगिंग से एक्साइटमेंट मिल रही है, तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। कैमरा फेस करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, कैमरा फेस करने में मज़ा आता है, तो वो मैं करता रहूँगा। एंड अभी मैं कुछ दो तीन एक्सपेरिमेंट सोच रहा हूँ, मतलब एक प्रॉपर कैटेगरी का एक्सपेरिमेंट है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी उसे डालूंगा चैनल पे और रिस्पॉन्स देखूंगा आपका, बिकॉज वो पार्ट ऑफ माई लाइफ है। मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कुछ दिनों में उसका भी वीडियो आएगा, तो उस पर भी यार रिस्पॉन्स अच्छा देना प्लीज़। और अब आते हैं मेन चीज़ पर, इस वीडियो के मेन चीज़ पर, जो कि स्पीड टेस्ट है। काफ़ी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस है, क्योंकि मैं रेगुलरली प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ तब से, लेकिन पता नहीं कितने टाइम में कर पाऊँगा। जो जिन लोगों को क्यूबिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज है, उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बिगिनर्स मेथड यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज सी फॉक एकदम से ऐसे इमिडिएटली वापस शुरू नहीं कर सकते आप, उसमें प्रैक्टिस लगती है और टाइम भी काफ़ी लगता है। तो मैं केवल बिगिनर्स मेथड यूज़ कर रहा हूँ। सब सही दिख रहा होगा, मेरा स्क्रैम्बल्ड क्यूब है, प्रॉपरली स्क्रैम्बल्ड है, और टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इट वॉज प्रीटी गुड, पहले से तो ठीक है, 129 से काफ़ी ठीक है। इट्स 46.78 सेकेंड्स, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, काफ़ी ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं वापस क्यूबिंग मतलब चैनल के लिए शुरू नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करूँगा अब इसकी। और मैं व्लॉगिंग में ही हूँ। लास्ट वीडियो थोड़ा क्लिक बेट था, उस पर टाइटल था बैक टू क्यूबिंग करके, लेकिन आई एम नॉट गोइंग बैक टू क्यूबिंग। उसमें एक्चुअली बाद में क्वेश्चन मार्क्स थे, तो ध्यान से देखना। तो आई एम नॉट गोइंग बैक टू क्यूबिंग, ये केवल मैंने ये वाली वीडियो मतलब 12th में वाली वीडियो के लिए, एक जस्ट मेमोरीज वगैरह के लिए बनाई थी वीडियो, कि कैसे शुरू हुआ था चैनल, एंड दैट्स इट। तो बस ये इस वीडियो के लिए। तो यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो यार, 150 होने वाले, जल्दी जल्दी 150 करा दो, फिर ऐसे ही मैं 200 के लिए बोलूँगा। तो मतलब मैं बहुत लालची इंसान हूँ, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार, सायनारा, एंड लिव योर लाइफ एज यू वांट टू। बाय।